सत्र रहेगा जिसमें केंद्रीय मंत्री श्री सुरेश प्रभु इसका उद्घाटन करेंगे और उत्तर प्रदेश से माननीय सत्यदेव पचौरी सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री भाग लेंगे। इसके अतिरिक्त लेदर उद्योग की सारी दिग्गज चाहे वो चेन्नई से हो या कानपुर से हमारे काउंसिल फॉर द लेदर एक्सपोर्ट के चेयरमैन मुख्तार उल अमीन, वाइस चेयरमैन पीआर अकील अहमद भी यहाँ भाग ले रहे हैं इसमें और ये एक इस बार एक भव्य आगरा ट्रेड सेंटर में ये होने जा रहा है। इससे न केवल निर्यात में फायदा होने वाला है, जो आगरा के जो छोटे छोटे चूतक कुटीर उद्योग हैं उनको आधुनिक तकनीक और लेटेस्ट कंपोनेंट्स जो नए नए इनोवेशन न केवल देश में पूरे विश्व में हो रहे हैं उनको यहाँ जानकारी उसकी मिलेगी। हाईवे पर 21 किलोमीटर पर सिंगना गांव में है का शुरुआत होने जा रही है। पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। 190 स्टॉल एक वातानुकूलित हॉल में शू मटेरियल के जिसमें लेदर सोल्स और अनेक तरह के शू मटेरियल्स जो जूते में प्रयोग होते हैं उनको प्रदर्शित किया जा रहा है। एक हॉल में 65 मशीनरी की कंपनियां भाग ले रही हैं। ये प्रदर्शनी न केवल आगरा बल्कि देश में जहां जहां जूता उद्योग है चाहे वो कानपुर हो, कलकत्ता हो, चेन्नई हो या नोएडा या जलंधर, सभी से देश के हर कोने से इसमें अपना उत्पाद को भी प्रदर्शित करेंगे और वहां से ये जूता प्रदर्शनी को देखने के लिए विजिटर्स भी आ रहे हैं। तो विकसित देशों में फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली और ब्राज़ील जैसे देशों का प्रतिनिधित्व यहाँ है और एशियन देशों में चाइना, ताइवान और बांग्लादेश जैसे देश भी इसमें भाग ले रहे हैं। बांग्लादेश फुटवियर एसोसिएशन के अध्यक्ष भी इसमें शिरकत ले रहे हैं। 3 बजे कल उद्घाटन पूरा होगा और उसका उद्घाटन कल 3:30 बजे हो रहा है, क्योंकि ये पहली बार हम लोग शहर से बाहर जा रहे हैं और इस असुविधा न हो किसी को भी जो बाहर से एग्जिबिटर्स आ रहे हैं उनके लिए एक विशेष बसों का इंतजाम किया गया है जो कि निर्धारित होटलों से उनको लेंगी और जो विजिटर्स हैं उनके लिए अलग से हम लोगों ने 6 बसों का इंतजाम किया।